आज लगभग आधे विश्वासी ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन काल में इस पृथ्वी पर लौट आएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में भविष्य के बारे में कलीसिया को यीशु मसीह के अंतिम शब्द बताए गए हैं। क्लेश काल के बीच में पृथ्वी पर जो भयानक घटनाएं होने वाली है उसकी चेतावनी दी गई है। शैतान का क्या होगा, ख्रिस्त विरोधी का क्या होगा और जो झूठी आस्था के पीछे चलते हैं उनका क्या होगा। उसने बताया कि हर्मगदोन के युद्ध में क्या होगा, पृथ्वी पर दूसरे आगमन, मिलेनियम के राज्य और अंतिम न्याय के बारे में बताया और ये भी बताता है कि परमेश्वर ने अनंत काल के भविष्य में अपने लोगों के लिए क्या योजना रखी है। इस सीरीज में हम आपको प्रकाशित वाक्य की किताब के एक एक अध्याय में से लेकर जाएंगे कि इसके संदेश और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जिसके बारे में परमेश्वर ने पहले ही बताया है। मेरे मेहमान हैं डॉक्टर एड हाइनसन, जो डीन है लिबर्टी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ रिलीजन के और आस्था के बारे में बड़े प्रोफेसर हैं और 40 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। डॉक्टर मार्क हिचकॉक ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं बाइबल एक्सपोजिशन पर डेलस थियोलॉजिकल सेमिनरी में। इन्होंने बाइबल की भविष्यवाणी पर 30 किताबें लिखी हैं और ये फेथ बाइबल चर्च के सीनियर पास्टर हैं। डॉक्टर रॉन रोड्स ये भी डेलस थियोलॉजिकल सेमिनरी में सिखाते हैं और ये प्रेसिडेंट हैं रीजनिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स मिनिस्ट्री के। इन्होंने भविष्यवाणी पर 70 किताबें लिखी हैं। हमारे साथ द जॉन एंकरबर्ग शो के स्पेशल एडिशन में जुड़ जाइए। प्रोग्राम में स्वागत है, मैं हूं जॉन एंकरबर्ग और जैसे आपने सुना है कि तीन अद्भुत मेहमान हैं डॉक्टर एड हाइनस्टन, डॉक्टर मार्क हिचकॉक और डॉक्टर रॉन रोड्स। और फिर से एड, मैं चाहता हूं कि इस प्रकाशित वाक्य की किताब के जिस भाग का अध्ययन कर रहे हैं आप इसका एक सारांश बताइए। ये रोमांचक जानकारी है जो परमेश्वर ने खुद हमें दी है, ये कलीसिया के लिए यीशु के अंतिम वचन थे और हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, आप इसकी जानकारी दीजिए। अध्याय एक में जी उठा मसीह पटमोस टापू पर यूहन्ना को प्रकट होता है और उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखने के लिए कहता है। अध्याय दो और तीन में समुद्र तट पर एशिया माइनर के साथ कलीसियाओं के लिए यीशु के पत्र हैं। और फिर अध्याय चार में दृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। इसके बाद यूहन्ना ने कहा, तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। यीशु की एक आवाज मेरे से कह रहा था, यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। उस चौथे अध्याय में यूहन्ना स्वर्ग के सिंहासन कक्ष में है और वह अवर्णनीय का वर्णन करने का प्रयास करता है। पिता परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हुए हैं, एक महान गौरवशाली प्रकाश, चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष, बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र दिखाई पड़ता है। आप परमेश्वर तक न पहुंच पाने को अनुभव करते हो। आप परमेश्वर तक कैसे पहुंचोगे, आप सिंहासन तक कैसे पहुंचोगे, आप उसका चेहरा कैसे देखोगे। और बाइबल हमें बताता है कि हम यीशु मसीह के लहू के माध्यम से सिंहासन के सामने साहसी से आ सकते हैं। चौथे अध्याय में सभी गिर पड़ते हैं और पिता परमेश्वर को ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के रूप में प्रणाम करते हैं। और फिर अध्याय पांच में बड़ी समस्या होती है, परमेश्वर पिता के हाथ में 7 मोहर बंद पत्रा है। कोई भी मोहरों को तोड़ने के लिए संदेश को पढ़ने, फैसले सुनाने और पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य लाने योग्य नहीं पाया जाता है। और फिर जब मेमना प्रकट होता है तो समस्या का हल हो जाता है और सभी गिरकर यीशु परमेश्वर के मेमने की प्रणाम करते हैं। इन अध्यायों से हमें मसीह की देवता रूप का पता चलता है। प्रकाशित वाक्य का पूरा ध्यान उस पर हमारा ध्यान केंद्रित करना है और यही यीशु मसीह का प्रकाशन है। हाँ, और वहां स्वर्ग में एक बहुत बड़ी समस्या आती है जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है। लेकिन इससे पहले कि हम बड़ी समस्या के बारे में बात करें कि वो क्या है, उसका क्या हल है, वहाँ एक अन्य बात है जिसका उल्लेख हमने नहीं किया कि 24 प्राचीन है जो प्रकाशित वाक्य के पहले 3-4 अध्याय में अलग अलग जगह पर हम देख सकते हैं और इस बारे में बहुत बहस हुई है। और ये 24 प्राचीन कौन है जो सफ़ेद वस्त्र पहने सिंहासन के सामने बैठे हैं, वे कौन हैं? रॉन, उन अलग विचारों के बारे में बताइए। खैर, एक दृष्टिकोण है कि वे स्वर्गदूत है और ये कुछ लोगों के विचार के लिए लोकप्रिय विचार रखता है, लेकिन वास्तव में जिस तरह से इसका वर्णन किया गया है उसके अनुसार उसकी कोई संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए उन्हें प्राचीन कहा जाता है, पर बाइबल में कभी भी स्वर्गदूतों को प्राचीन नहीं कहा गया है। और यह है कि प्रकाशित वाक्य के पूरे पुस्तक में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत और प्राचीनों को वास्तव में अलग अलग कहा गया है। और फिर तीसरा प्रकाशित वाक्य 5:9 में छूटकर एक गीत है। आप जानते हैं कि मनुष्य के लिए छुटकार की गीत गाना बहुत ही संभाविक होगा, लेकिन स्वर्गदूत के लिए अप्राकृतिक होगा क्योंकि
वह इसका एक हिस्सा नहीं है और वो मुझे नहीं लगता कि वह स्वर्गदूत है। डैनियल 12 के अनुसार मसीहा की दूसरे वापसी तक 24 प्राचीन चर्च के प्रतिनिधि हैं और मैं जो कह रहा हूँ उसमें निम्नलिखित कारण हैं। जब वो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में क्लीसियों के विभिन्न प्रतिफलों को देखता है, 24 प्राचीनों के वर्णन के कारण, और तो ये मुझे लगता है कि यह स्पष्ट रूप से चर्च का प्रतिनिधि कर रहा है। अब इन सब के बारे में रोमांचक बात यह है कि यह पूरी तरह से कलेश अविध के पहले ही दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है, जो कि कहता है कि पुण्य स्थान कलेश अविधि के पहले होता है। यह दृष्टिकोण कलेश अविधि के बाद मायने नहीं रखता। और वह 24 क्यों है? खैर, 24 मसीहा के पूरे शरीर के प्रतिनिधित्व करता है, पूरे चर्च का, और हम यह एक इतिहास 24 में पाते हैं जहां यह बताया जाता है कि 24 याजक है। और जाहिर है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हम याजकों को एक राज्य कहा जाता है, तो यह सब मेल खाते हैं। जब वे प्रकाशित वाक्य 2 और 4 में है, 7 किलिसियों के विभिन्न प्रतिफलों को देखता है, तो हम ये पाते हैं कि मुकुट पहनना, सिंहासन पर बैठना और एक सफेद वस्त्र पहनना 24 प्रश्नों को वर्णन कर रहा है। हाँ, और अब मार्क, हम कुछ बड़ी चीजों पर आते हैं, बड़ी समस्या, ठीक है। हमारे पास बाइबल कहती है, मैंने देखा, अध्याय 5, मैंने सिंहासन पर बैठा देखा, मैंने उसके दाहिने हाथ में अर्थात परमेश्वर स्वयं एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। और फिर मैंने एक स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार कर रहा था कि इस पुस्तक को खोलने और उस पर की मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। और फिर यहाँ बड़ी समस्या है, और न स्वर्ग में और न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य न निकला। और यूहन्ना ये जानकर बस स्वर्ग में पागल की तरह रोने लगा कि ऐसा कोई भी नहीं है जो इस पुस्तक को खोलने में सक्षम है। सबसे पहले ये पुस्तक और 7 मोहरे क्या है? आपने इस पर बहुत काम किया है, ये क्या है? खैर, पुस्तक दोनों पक्षों पर लिखी गई है जो कि उसे बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। दस्तावेज सामान्य रूप से उस समय दोनों पक्षों पर नहीं लिखे जाते थे, तो वो जो भी हो वो महत्वपूर्ण थे। इसमें बहुत सारी जानकारी थी। इस पुस्तक की पहचान पर बहुत सारे अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नए वचन की पुस्तक है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये छुटकारे की पुस्तक है, मेमने की जीवन की पुस्तक है, धरती के कर्मों का खिताब, यह न्याय की एक लंबी सूची है, तो इसे क्लेश के दिन का पुस्तक कहा गया है, मनुष्य के पापों का रिकॉर्ड। लेकिन जब हम उन दस्तावेजों को देखते हैं जो कि उस समय 7 मोहरों से मोहर लगाए गए थे, तो उस समय केवल एक वसीयत या एक वसीयत नामा ही 7 मोहरों से सील किया जाता है। और तो यह क्या है कि यह विरासत है या एक वसीयत है? भजन संहिता में वह कहता है, मुझसे पूछो और मैं तुम्हारी विरासत के लिए राष्ट्रों को दूंगा। और यूहन्ना के रोने का कारण यही है, जब पिता के दाहिने हाथ में पुस्तक थी और कोई भी उसे खोलने के योग्य नहीं पाया जाता है, तो वह जान लेते हैं कि अगर यह पुस्तक नहीं खोला गया तो इस दुनिया और मानव जाति के लिए परमेश्वर का उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य मसीह का वापस आना और इस धरती पर शासन करना है। लेकिन इसीलिए जब यीशु पुस्तक को लेता है और वह ऐसा करने का योग्य पाया जाता है, तो पूरा स्वर्ग सचमुच उत्सव मनाता है। और यह बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि वह कहता है कि जो इस पुस्तक को खोलने के योग्य है वह योग्य इसलिए है, वह कहता है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और तो यीशु ने उसकी मृत्यु से आकर पापों के लिए कीमत चुकाई है ताकि वह अब विरासत लेने के योग्य बने। और फिर वास्तव में प्रकाशित वाक्य की बाकी पूरे पुस्तक में इस पुस्तक के खोलने के बारे में है। अध्याय 6 में हम देखते हैं कि पुस्तक का खोलना शुरू होता है, फिर अध्याय 8 के 7वें मोहर में 7 तुरही होती है, और फिर अध्याय 16 में 7वें तुरही के न्याय में ये 7 कटोरे होते हैं, और अंत में जब इस पुस्तक को खोला जाता है तो हम अध्याय 1:9 में यीशु की पृथ्वी पर शानदार वापसी और उनके राज्य की स्थापना, इन वादों की पूर्ति पाते हैं। एड, मुझे लगता है कि हमें इस बात के बारे में चर्चा करनी, यहाँ यीशु का विवरण प्रतीकात्मक रूप में दिखाता है, वही मेमना है जो वध किया गया था, और वो पिता से पुस्तक लेता है और सभी स्वर्ग में जो दूत है वो सब गाने लग जाते हैं, वो योग्य है, और वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। अब क्यों हमें
यहाँ रुकना चाहिए। अगर आप बाइबल के अध्ययन में हैं, आप इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है कि यीशु वो पुस्तक लेने के योग्य है? क्योंकि यीशु लहू मेमने के रूप में प्रकट होता है। मेमना जो कि वध किया गया था, यूहन्ना उसे आंसुओं से भरे आंखों से देखता है और मसीह को सिंहासन में बैठे देखता है पिता के साथ समानता में। तो यह अध्याय हमारे मसीह के देवता रूप को दिखाता है। अध्याय 4 में दैत्य प्राणियां जैसे सारफिम चिल्ला रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, त्रयेक परमेश्वर पवित्र है। और यूनानी न्यू टेस्टमेंट में जिसमें यह मूल रूप से लिखा गया था, उसमें पवित्र शब्द हाजियोस 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 और उसके बाद योग्य शब्द अकियस है। ये दो शब्द लगभग मेल खाते हैं, वे यूनानी में एक जैसे दिखते भी है। वह जो योग्य है, हमारे आराधना के योग्य है, वह है जो कि पवित्र है। केवल वह व्यक्ति जो कि धर्मी ईश्वरीय है, वही आकर पुस्तक लेने, मोहरों को खोलने और न्याय का उच्चारण करने के लिए योग्य है। यीशु आराधना के योग्य है। और अध्याय 5 के अंत में सभी स्वर्ग गिर पड़ते हैं और उसे परमेश्वर उद्धारकर्ता के रूप में प्रणाम करते हैं। आप प्रकाशित वाक्य 4 और 5 को पढ़कर मसीह के देवता रूप को अंधे का नहीं कर सकते हैं। यह सचमुच उन पन्नों में स्पष्ट दिखाई देता है। वह चर्च के इतिहास में बाद में आविष्कार किया गया विचार नहीं है, यह शुरुआत से ही पूरे नए नियम के संदेश का हिस्सा था। वह मानव शरीर में परमेश्वर का अवतार था, एक पाप रहित उद्धारकर्ता जो हमारे पापों के लिए मरा था, जो मरे हुए में से जी उठा था और अंततः राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आने और शासन करने के लिए योग्य है। अब हम अद्भुत घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि परमेश्वर ने हमें प्रकाशित वाक्य की किताब में बताया है। और आपने इसके बारे में पहली महत्वपूर्ण बात कही जिसे इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए, और वो है कि प्रकाशित वाक्य स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर हो रहा है उसके बारे में बताता है। स्वर्ग में क्या हो रहा है, पृथ्वी पर क्या हो रहा है, इसके बारे में बताइए। खैर हाँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्वर्ग के दृश्यों, पृथ्वी पर दृश्यों को एक के बाद एक दिखाया गया है और आप इसे वास्तव में अध्याय 4 और 5 में सचित्र तरीके से देख सकते हैं। और फिर हम अध्याय 6 में जाते हैं क्योंकि अध्याय 4 और 5 में हम स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर एक सुंदर दृश्य को देखते हैं। परमेश्वर अपने सिंहासन पर है, फिर हम उसकी आराधना करते हैं और फिर जब हम अध्याय 6 से आते हैं तब हम पृथ्वी पर होते हैं, हम आराधना से युद्ध में पहुंचते हैं। लेकिन इस पुस्तक में लगातार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के इन दृश्यों को दिखाना हमें हमेशा स्वर्ग वापस ले जाता है, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर सिंहासन पर है। यह इन अनिश्चित दिनों में हमारे लिए बहुत ही आराम लाता है। आज भी जब हम धरती पर हो रही चीजों को देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते, पर हम जानते हैं कि उन घटनाओं को परमेश्वर द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है जो कि स्वर्ग में अपने सिंहासन पर है। ठीक है रॉन, तो चलिए पहली मुहर को देखते हैं, वो क्या है? बाइबल कहती है, मैंने दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया था और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ये क्या है? ठीक है, आप जानते हैं बहुत ही लोग मानते हैं कि क्योंकि वह एक सफेद घोड़े पर सवारी कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि वह येसु है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 19 में हम ये देखते हैं येसु एक सफेद घोड़े में सवारी करता है लेकिन संभर्ग के साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। पहले 4 मोहरों के फैसले में न्याय के दिन में 4 घोड़े शामिल है और न्याय के दिन के 4 सवारों में प्रत्येक न्याय में शामिल है जो न्याय के पृथ्वी में होने वाले। जैसा कि पहला मोहरा खोला जाता है घोड़े पर पहली सवार अपनी बात करता है, जैसे कि दूसरा मोहरा खोला जाता है न्याय के दिन दूसरा घुड़सवार आता है, ये सभी न्याय के निपटते हैं। तो यह व्यक्ति येसु नहीं बल्कि यह मसीहा का विरोधी और वह जय प्राप्त करने के लिए निकला और भी जय प्राप्त करे। वह इजरायली और मध्य पूर्व के बीच समझौता करने में सक्षम हो सकता है, उसके पास वो सैन्य शक्ति है। हाँ, और यहाँ पर हम दानियल में वापस जाकर देखते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि ख्रिस्त विरोधी वास्तव में इसराइल के साथ एक वाचा पर हस्ताक्षर करता है, शांति की वाचा के लिए जो कि 7 साल तक चलनी थी। लेकिन सही है, लेकिन इसके पहले उस पर हम और आगे देखें, हम दूसरी मोहर पर जाते हैं जहां वो जाता है और उस पर वो दस्तखत करता है और ये शांति की तरह लगता है लेकिन आगे हमें पता चलता है कि शांति पृथ्वी पर से हटाई गई और युद्ध हो रहे हैं। ये क्या है? हाँ खैर, ये सच है कि शांति पृथ्वी से चली गई है। मतलब है कि शांति पहले मौजूद थी तो वह पहले मसीहा के विरोध में नीचे शांति थी, पृथ्वी से शांति निकाल दी गई है। और वचन कहता है फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर ये मेल उठा है
ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ा तलवार दी गई। इसका ये कारण है कि तलवार पूरी दुनिया में अपना काम कर रहा है, सक्रिय है पूरी तरह से पूरे दुनिया में। मुझे लगता है जॉन, हमें यह न्याय के दिन के जो भी चार सवार मिलते हैं वे आगे आने वाले अध्यायों के बारे में एक संक्षिप्त अवलोकन है, और प्रकाशित वाक्य में इस तरह की आगे की एक झलक फिर विवरण है। पहले चौड़े कोन के लेंस, फिर स्नैपशॉट, मसीहा का विरोधी आ रहा है, सफेद घोड़ा युद्ध आ रहा है, लाल घोड़ा काले घोड़े पर अकाल आ रहा है, और पीला सवार के साथ मौत आ रहा है। जी हाँ, इन दो आखिरी को देखते हैं। यहाँ काला घोड़ा है, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का तीन सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना, जिसका अर्थ है कि भोजन की लागतें बढ़ती गई है। और ठीक है, और फिर भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि बहुत अमीर होंगे, वे दाखरस को पकड़े रहेंगे क्योंकि उसके लिए पैसा दे सकते हैं, तो अमीर है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो गरीब हैं जो अकाल में हैं और मर रहे हैं। इसके बारे में आप समझा कर बताइए। युद्ध का अंतिम परिणाम हमेशा लोगों को तबाही में लाने वाला है, और फिर यह अकाल की ओर ले जाता है जो कि मृत्यु की ओर ले जाता है, और फिर उसके पीछे मृत्यु और नरक का दुखद चित्र होता है। तो बोलने के लिए यह लगभग ऐसा है जैसे कि वह मृत्यु को साथ लाता है और लाश उठाता है और घोड़े पर डालता है, वह बाद में गंदगी को साफ करता है, लोग मर रहे हैं। और यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के कठोर चीजों में से एक है। लोग कहते हैं, खैर मुझे इन बातों को पढ़ने से डर लगता है। यह हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया, यह हमें किसी भी समय यीशु से मिलने के लिए तैयार होने के लिए लिखा गया है। सुनिश्चित करो कि आप जानते हैं कि आप जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप पीछे रह जाना नहीं चाहते हैं। यह केवल अविश्वासियों के लिए बुरी खबर है, विश्वासियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। मार्क, चौथा जो हम कह रहे हैं वो इसके पीछे आता है। बाइबल कहती है, मैंने दृष्टि की और देखा एक पीला सा घोड़ा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। खैर, इसका क्या अर्थ है? खैर, यह हमें बताता है कि बड़े पैमाने पर मौत होने वाली है। वास्तव में यह कहता है कि इस एक न्याय में पृथ्वी के एक चौथाई मरने वाले हैं। अब हम ऐसे चीज़ों को बस पढ़ सकते हैं तेज़ी से, और बस आप जानते हैं उस संख्या को बस पढ़ा जा सकता है, लेकिन यह धरती के एक चौथाई लोगों का हिस्सा है। चलो मानते हैं कि बाद में लगभग 6 अरब लोग बचे हैं या ऐसा कुछ। मेरा मतलब है, आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर इस एक न्याय में करीब 1.5 अरब लोग मरने वाले हैं, और कभी कभी यह हमारे दिमाग के लिए मुश्किल हो सकता है। हम परमेश्वर को प्रेम का एक परमेश्वर और अनुग्रह और दया के परमेश्वर के रूप में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर इस धरती पर न्याय लाने वाला है, और कहता है कि वह विपत्ति से मारे जाने वाले हैं, कहता है कि तलवारों से मारे जाने वाले हैं, जंगली जानवरों के द्वारा मारे जाने वाले हैं। और कुछ लोग सोचने लगते हैं कि इन जंगली जानवरों का क्या मतलब है, लेकिन मुख्य रूप से दूसरी बार यह शब्द जंगली जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्थ धरती के शक्तिशाली शासकों का है, तो शायद यह तानाशाहों की कार्रवाई है, और मसीह के विरोधी को जानवर कहा गया है। शायद उसके कार्यों से लाखों अरबों लोग पृथ्वी पर मारे जाएंगे। अब हम पांचवी मोहर में आते हैं जो कि शहीदों की पुकार है। उन्होंने जैसे कि आप कहते हैं, शायद वे शासक उनके पीछे पड़े थे, शायद किसी के कारण वे कहते हैं कि पुनरुत्थान, रैप्चर या जो कुछ भी हुआ उसके कारण विनाश हुआ, ये उनकी गलती थी, और वे उनके पीछे पड़ते हैं, उन्हें मार डालते हैं। हम देखते हैं कि स्वर्ग में, तो मैंने वेदी के नीचे उन प्राणियों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे, और वे तो बहुत से थे। ठीक है, और वो कह रहे थे कि वे बदला चाहते हैं। रॉन, यहाँ क्या हो रहा है? खैर, बड़े पैमाने पे विश्वासी शहीद हो जाएंगे, और ध्यान दें कि वे स्वर्ग में पूरी तरह से सचेत हैं और जानते हैं उनकी शरीर अभी भी पृथ्वी पर है, लेकिन वो स्वर्ग में परमेश्वर से बात कर रहे हैं। या मुझे तथ्य की याद दिलाती है, जॉन की बात में हमें आने वाले उन झूठों धर्मों के बारे में बताया गया है, और ये झूठा धर्म शहीदों के खून के नशे में था। झूठा धर्म जो कुछ भी वह है वो सच्चे विश्वासियों को मौत में डाल देगा। आप देख सकते हैं कि वे सभी को गले लगाने वाले हैं, और बहुत उद्धार होने वाला है, और सभी से प्रेम करने वाला है, स्वयं यीशु मसीह सच्चे विश्वासियों को छोड़कर। आप यहाँ पर शानदार वाक्य कहना चाहते हैं, और वो ये है कि आपने कहा कि प्रकाशित वाक्य की किताब विश्वासियों के लिए अच्छी खबर है, और ये अविश्वासियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि हम क्लेश में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसके बारे में जरा आप समझा कर बताइए।
क्योंकि सब कुछ गलत हो रहा है, लोग मर रहे हैं, सेनाएं चल रही है, दुनिया युद्ध में है, परमेश्वर विश्व पर ब्रह्मांडीय न्याय जारी कर रहे हैं और यह मानव हृदय की भ्रष्टता है। वह एक मतलबी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कह रहा है, मैं दुनिया के संरक्षण से अपना हाथ ले रहा हूं और मैं मनुष्यों की भ्रष्टता को स्वयं व्यक्त करने की अनुमति देने वाला हूं। और हमने अपने ही जीवन काल में उसकी एक झलक देखी है। अब क्लेश के इस समय में जो कि नियंत्रण से बाहर होगा, अब हम ये नहीं कह सकते कि मैं बस प्रतीक्षा करने वाला हूं और रह जाऊंगा और फिर मैं उद्धार पाऊंगा। यदि आप अभी सापेक्ष शांति और समृद्धि के समय में मसीह में नहीं आएंगे तो आप तब उसके पास नहीं आएंगे जबकि आपकी जान जा सकती है। अगर वास्तव में उसके लिए जीना लायक नहीं है तो उसके लिए मरना लायक नहीं है, और यह बिल्कुल सत्य है। हाँ, उस समय विश्वासियों के खिलाफ कितने लोग होंगे? पूरी दुनिया होगी। ऐसा लगता है कि जो कोई विश्वास में होता है वे उसके खिलाफ होते हैं। अब ये एक सवाल उठता है कि जिससे कि हम अभी निपटना होगा, और वो ये है कि क्या कोई भी क्लेश अवधि के दौरान उद्धार पाएगा। हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले छठे मुहर के बारे में बताइए। हाँ, छठी मुहर तब होगी जब सचमुच पृथ्वी पर सब चीजें ढीली पड़ती होंगी। एक बड़े पैमाने पर भूकंप होने वाला है, गंभीर लौकिक गड़बड़ी। हर जगह लोग छिपने की कोशिश करने वाले हैं। बाइबल कहता है यह सिंहासन पर जो बैठा है उसके क्रोध और मेमने का क्रोध है। यहाँ तक कि बाइबल कहता है स्वर्ग के तारे पृथ्वी पर गिरने वाले हैं। अब इसका सचमुच अर्थ ये नहीं है कि बेलेज्यूस जैसे या यह इनमें से एक के बारे में है, बल्कि यह उल्का या उल्का की बारिश के बारे में बात कर रहा है जो कि पृथ्वी पर आने वाली है। तो सब कुछ जैसे हम आज हमारी दुनिया में देख रहे हैं वे वास्तव में ढीले पड़ने वाला है। लोग इस समय के दौरान छिपने की कोशिश करेंगे। यह पृथ्वी पर अद्वितीय फैसले का एक समय होगा। ठीक है, अध्याय 6 के आखिरी वचन में कहा गया है, उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। और उस वचन के आधार पर लोग कहते हैं कि यही वो समय है, ये वो समय है, उसके बाद क्लेश की शुरुआत होगी। और पहली 6 मोहरें जो है वो तो शैतान के द्वारा हुए थे और ये परमेश्वर से नहीं आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? खैर हाँ, बहुत सारे लोग इसे छुटकारे के पूर्व के क्रोध का दृश्य कहते हैं। वे कहते हैं कि छठे मुहर में ही छुटकारा होने वाला है क्योंकि तब ही परमेश्वर का क्रोध शुरू होता है और विश्वासियों को इससे बचने का वादा दिया गया है। मेरे परिपेक्ष से इस दृश्य में कठिनाई यह है कि यीशु हालांकि वह मेमना है जो कि उन सभी मुहरों को खोल रहा है, तो निश्चित रूप से क्लेश में न्याय एक साथ मिल जाता है और वह क्लेश के दौरान अपनी तीव्रता बढ़ाते हैं। हम सभी इस बात से सहमत हैं, लेकिन यीशु ही इन मोहरों को खोल रहा है। और तो ये पहले के 4 मोहर, 5वां मोहर, ये सभी परमेश्वर का ही क्रोध है। और यद्यपि वह सीधे साधे जाकर परमेश्वर के क्रोध के रूप में बन जाते हैं, वस्तुतः ये ईश्वर का क्रोध है जो कि फैला हुआ है। इस पूरे धरती पर आने वाले परीक्षण के इस समय से छूट दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि 7 वर्ष की अवधि के शुरू होने से पहले या क्लेश की अवधि से पहले ही छुटकारा पाना होगा। हाँ सही है, अगले हफ्ते हम इसके साथ में आगे देखेंगे। हम इस बात के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर इस अशांति के बीच में पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा लाई न्याय के द्वारा परमेश्वर क्या करने वाला है। परमेश्वर अभी भी दयालु है और वो 144,000 गवाहों को, विशेष लोगों को लेकर आता है जिसे वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए उठा लाता है। हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, ये कौन है, ये क्या करते हैं, परमेश्वर उन्हें क्या शक्ति देता है और क्या होता है। ठीक है, अगले हफ्ते इस पर चर्चा करेंगे। आशा है कि आप जुड़ जाएंगे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर प्रभु ने इस प्रोग्राम का उपयोग किया कि आपसे कहें और आप किसी से बातें करना चाहते हैं तो क्यों ना स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन कीजिए। हमारे पास अद्भुत लोगों की टीम है जो आपसे बातें करना चाहती है, आपके लिए प्रार्थना करेंगी और आपके सवालों का जवाब भी देगी। या शायद आप अपनी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं अपने काम में या परिवार में और आपको प्रार्थना चाहिए, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए, हमारी टीम इस समय में आपके लिए प्रार्थना करेगी। शायद आपने आज का प्रोग्राम देखा लेकिन कभी यीशु से ये नहीं कहा कि वो आपका उद्धारक हो। अगर आप यीशु के साथ में व्यक्तिगत संबंध में आने के बारे में सीखना चाहते हैं, शाश्वती रखना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कीजिए या फिर हमारी ऐप पर जाइए या वेबसाइट पर और क्लिक कीजिए प्रे टू एक्सेप्ट जीसस पर। मैं आशा करता हूं कि प्रकाशित वाक्य की किताब पर का ये प्रोग्राम आपके लिए प्रोत्साहित करने वाला है। मैं इस सीरीज को बनाना चाहता हूं ताकि इस महत्वपूर्ण किताब को लोग समझ सके।
लोग इसे अनदेखी या गड़बड़ी में लाने वाली किताब के रूप में देखते हैं। इसमें मदद करने के लिए मैंने भविष्यवाणी के बारे में 3 सबसे उत्तम मेहमान को बुलाया है, जो हर अध्याय से आपको बताएंगे और इस संदेश को ऐसे समझाएंगे जिसे हर कोई समझ सकता है। जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, मैं जानता हूं कि आप देखेंगे कैसे प्रकाशित वाक्य बताता है परमेश्वर की महानता, उसका न्याय और विश्वासी के लिए रखी गई आशा। परमेश्वर ने हमें ये किताब दी क्योंकि वो चाहता है कि हम इन बातों को जान ले, ताकि हम उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं और हम महान क्लेश काल के समय में बच जाएंगे जो इस पूरी पृथ्वी पर आने वाला है। अगर आप इस सीरीज को अपने मित्र को बांटना चाहते हैं या बाइबल स्टडी ग्रुप में इसे देखना चाहते हैं, आप इसे मुफ्त में कर सकते हैं अपने फोन पर हमारी ऐप के द्वारा। हमारी ऐप डाउनलोड करने के लिए अपने डिवाइस के ऐप स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए एंकरबर्ग। इसे डाउनलोड करने के बाद आप ये सीरीज और दूसरी सैकड़ों सीरीज को देख सकते हैं किसी भी समय किसी भी जगह पूरी तरह मुफ्त में। इन वीडियो को ढूंढने के लिए बस हमारी ऐप खोलिए और प्रोग्राम के आइकॉन पर टैप कीजिए, और साथ में यहाँ पर हमारे सैकड़ों Q&A वीडियोस देख पाएंगे जो बुद्धिमान लोगों ने विश्वास के बारे में आपके मुश्किल सवालों का जवाब दिया है। और इसके साथ ही हमारी ऐप आपकी मदद करती है कि बाइबल को पढ़ें या सुने 1000 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाओं में। बस हमारी ऐप के मेन पेज पर जो फोन आइकॉन है उस पर आप टैप कीजिए। इसके खुलने के बाद आप अपनी भाषा को पा सकते हैं ऊपर के दूसरे बॉक्स पर टैप करने के द्वारा। अगर आप बाइबल की किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो बाइबल स्टडी के हमारे आइकॉन पर टैप कीजिए। यहाँ डॉक्टर वीन बार्बर के द्वारा सैकड़ों संदेश है जिसमें आप बाइबल में से होकर चलेंगे एक एक वचन करके। आप इन सारे स्रोतों को पा सकते हैं मुफ्त में हमारी वेबसाइट पर jashow.org पर। और इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी पानी है तो हमारे पास में लगभग 8000 से भी ज्यादा आर्टिकल्स है कि इसमें मदद कर सके। हालांकि ये आर्टिकल्स ज्यादातर इंग्लिश में हैं, बहुत से ऐसे वेब ब्राउजर्स हैं जो इन सारी बातों को तुरंत आपके लिए ट्रांसलेट करके देते हैं। अब प्रोग्राम देखने के लिए फिर से धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे द जॉन एंकरबर्ग शो को देखने के लिए, और तब तक प्रभु आपका आशीष दे। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का पूरा मुद्दा हमसे ये कहना है कि आपके साथ ऐसा होना जरूरी नहीं है। यह आपको डराने के लिए नहीं लिखा गया, यह आपको तैयार करने के लिए लिखा गया है। आशा के समय मसीह के पास आओ जब समय सही है, इससे पहले कि छुटकारे का समय आए या आप अपने आप को अनंत काल में पाए। आपके पास एक ऐसा निर्णय लेने का अवसर है जो आपके अनंत भाग्य को बदल सकता है, और वह यह है कि आप अपना विश्वास यीशु मसीह की मृत्यु पर रखें। जब वह क्रूस पर मरा तो वह बस शहीद या शिकार के रूप में नहीं मरा था, वह एक विकल्प के रूप में मरा था। वह परमेश्वर के मेमने के रूप में मरा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसे प्रस्तुत करता है। वह आपके स्थान पर मरा, वह आपके लिए मरा, और वह आपको उसे विश्वास करने के लिए कहता है कि वह आपके पापों को माफ करने और आपको अनंत जीवन का उपहार देने के लिए पर्याप्त है। ऐसा एक समय आना चाहिए जबकि आपको ये मांग करनी चाहिए और आपको उसे अपना विश्वास सौंपना जरूर चाहिए।